लेह का सेंट्रल एशियन म्यूजियम टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। इस म्यूजियम में 16 सदी के बाद का साजो सामान रखा गया है और ये म्यूजियम उस वक्त की जिंदगी को दर्शाती है। यहाँ पे जो सामान रखा गया है वो तो यहाँ के लोगों ने या तो डोनेशन के तौर पे यहाँ पे दिया है या फिर कई लोगों ने इसे लोन पे यहाँ पे रखा है। मतलब ये कि जब उन्हें ये सामान जरूरत है वो यहाँ से ये वापस ले सकते हैं। काफ़ी मेहनत की, हर जगह घूमे, लद्दाख में, टिबेट में भी गए, चाइना भी गए और बहुत सारी जगहों पर जाके ये उनका ड्राइंग बनाया है। और इसको बनाने के लिए कम से कम कोई 8-9 साल लगे। और ब्यूटी है कि इसमें कोई भी आज का मॉडर्न मटेरियल को यूज़ नहीं हुआ, सीमेंट जैसे लोहा का है या चीज़ें बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर, मिट्टी और वुड। इस म्यूजियम को हमने 4 हिस्से में डिवाइड किया है। ग्राउंड वाला हिस्सा है जो लद्दाख का है, उसके बाद सेंट्रल एशिया, उसके बाद कश्मीर और फिर एंड में एक सेक्शन बनाया है जिसमें हमने जो डिफरेंट रिलीजन जो यहाँ पर हैं उनके होली बुक्स का हमने वहाँ पर डिस्प्ले किया। एक मॉडल हमने बनाया अपने याददाश्त से। एक सराय होता था सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स का, तो लोग आते थे यहाँ पर ऑक्ट्रॉय वॉक्ट्रॉय देने के बाद यहाँ आते थे और इसमें ये जो पोर्शन है इसमें आम जो वर्कर्स होते थे उनके साथ, ट्रेडर्स के साथ वो इसमें सेटल होते थे और इसमें ये दो जगह जो है वो उनके अमीर कारवान कहते हैं उसको, ऑनर्स कारवान के, वो ज़्यादातर फैमिली लेके आते थे तो उनके लिए ये शायद थोड़ा सा पर्दे का इंतज़ाम होता था। और ये बीच में जो प्लेटफॉर्म बना वो बाई चांस वो मस्जिद नहीं पहुँचे तो नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर वो अपना ऊंट वगैरह बांधते थे।
किचन वेयर है। अब इसमें ये सबसे है वन पीस स्टोन का बना हुआ है, दोस्तों कहते हैं स्टोन का बना हुआ, और इसमें कुक करते हैं तो इसका टेस्ट ही कुछ बहुत ही अच्छा रहता है, टेस्ट में चेंजेस नहीं आती है। और इसमें ये पानी भी रखते हैं, लोकल ड्रिंक्स भी रखते हैं, वुडन का बना हुआ है, चक्स वगैरह है जिससे पोर करते हैं। और ये चीज़ें लद्दाखी, ये ट्रे है जिसमें हम चप्पावा बनाते हैं लद्दाख में, एक मिक्सचर ऑफ बार्ले फ्लोर का बना हुआ है खाना है, उसको निकाल के इसमें रखते हैं पीसीस में, तो यहाँ से लोग उठा के अपना अपना ले लेते हैं। और ये कुछ क्ले पॉट्स हैं ये वाले, ये खासकर यूटिलाइज होता है यहाँ के लोकल ड्रिंक्स को रखने के लिए, दैट डजंट गेट वेट, स्पॉइल नहीं होती है। मिशन ये है, ये मैन इसको हम दोस्तों कहते हैं, इसमें ज़्यादातर मीट मटन वगैरह वो पकता है, और ताकि उसका टेस्ट जो है वो उसी में रहे, और बना हुआ पत्थर का है, वेरी हैवी है, और ये मिट्टी का बना हुआ वो वाटर स्टोरेज, और ये भी एक पत्थर का बना हुआ है, सॉर्ट ऑफ क्या कहें फ्राई पैन जैसा है, जिसमें लो स्लो कुकिंग होती है जिससे टेस्ट बिगड़ता नहीं है। ये पोर्शन हमारा सेंट्रल एशिया का पोर्शन है, जिसमें स्टार्ट सेंट्रल एशिया के बारे में क्या सोचे तो खासकर हमने जाना है कि वहाँ के कालीन जो है वो बहुत मशहूर होते हैं। ये एक सैंपल है, एक कारपेट, बहुत पुराना कारपेट है, इसको कम से कम 80-90 साल हुआ होगा, और ये चीज़ भी ले मॉस्क में था, तो हम किसी ने इसको वहाँ डोनेट किया होगा, तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ बिस्तरे के ले लाए हैं। उसका एक दूसरा एक पीस ये भी है, ये कारपेट भी है, वही थोड़े बड़े साइज़ का, उसके लिए जब जो थोड़ा सा अमीर लोग होते हैं वो अपने घरों में वो रखते हैं। Allah
ये चीज़ें तिब्रिल कहते हैं, ट्रेडिशनली लद्दाखी चीज़ें, ये बनती है चिलिंग में, एक विलेज है वो है, वो चीज़ ये है ताजू, जिससे वो ज़्यादातर ये चाय वगैरह के लिए, चाय सर्व करने के लिए यूज़ होती है। और वो पीछे वाले जो है वो प्लेट्स, वो तबक कहते हैं, जिसमें दो आदमी या तीन आदमी जो साथ खाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में और ट्रेडिशन है वही है। तो ये इसको कहते हैं थप, जो कि चूल्हा है, जिसमें एक दो तीन चार जगह एट ए टाइम कुकिंग होती है। तो यहाँ से इसमें लकड़ी या गोबर डालते हैं, और यहाँ पर एक ब्लोवर होती है जिसको हम भुट्टा कहते हैं, तो उससे ब्लो करते हैं तो हवा से वो आग सुलगती है। और ये चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं गोरमो, जिसमें सत्तू डाल के, चाय डाल के इस तरह वो मिक्स करके उसको हम फेमर या खोलक बनाते हैं और खाते हैं। और ये तो डिफरेंट साइज के पोर्शन जो डिफरेंट ओकेजन पर यूज़ होता है, छोटी फैमिली हो तो छोटा वाला यूज़ करेंगे और बड़ा वाला बड़े वाले। This museum is really interesting because it is possible to see in different point, because sometimes when we thinking about this part of the world from Europe, it is completely different point and relationship between people who live in Central Asia.